न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सातवें नेशनल ब्लाइंड एंड डेफ जूडो चैंपियनशिप में यूपी को ऑल ओवर चैंपियन का खिताब। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई चुनाव संबंधित बैठक। नैतिकता के आधार पर मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करने के दिए निर्देश। सजनवा पुलिस ने किया 2,30,000 की हरियाणा निर्मित अवैध शराब और मारुति आर्टिगा बरामद। एसपी ने कहा हरियाणा से बिहार जा रही थी अवैध शराब। नवागत एडीएम प्रशासन ने किया कारभार ग्रहण, कहा शासन की प्राथमिकता को लागू कराना ही मुख्य प्राथमिकता। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने दिया धरना। 6 से 12 फरवरी तक दी महाहड़ताल की चेतावनी। खुदरा व्यापार में ऑनलाइन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर उद्योग व्यापार मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, की कार्यवाही की मांग। पैडलेगंज स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के समक्ष नेताजी के गुरु रास बिहारी बोस को दीप प्रज्वलित कर दी गई श्रद्धांजलि। महानगर में सोमवारी जाम से जूझते नजर आए लोग, थमे रहे वाहनों के पहिए। ट्रिपल सी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ब्लाइंड संस्था के 12 छात्रों को मेयर और सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया सर्टिफिकेट, डीएम ने की हौसला अफजाई। नियमितीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की दी जाएगी चेतावनी। और महानगर के कचहरी क्लब मैदान में 10 दिवसीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी उठा रहे हैं लोग।